हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शॉल के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन लाई हूँ। शॉल, कार्डिगन, टॉप और स्टॉल वगैरह के लिए आप बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है, और इस पैटर्न से आप बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट बना सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 12 का मल्टीपल प्लस 1 फंदे चाहिए। यहाँ पर मैंने 12 के मल्टीपल के हिसाब से 48 प्लस 1 49 49 चैन ली है, और फिर 49 के ऊपर 48 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 3 चैन। ये है ना कि टोटल 49 49 डबल क्रोशिए की एक रो बेस रो बना ली है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट रो हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन 6 रो की है, वैसे 3 रो की है लेकिन 3 रो को फिर अल्टरनेट करना होता है। तो देखिए, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में आप एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब इसका 4 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 4 चेन बनाए। अब देखिए, यहाँ पर आपको 5 डबल क्रोशिया स्किप करना है, इसमें बनाए। फिर 1 2 3 4 5 5 स्किप करेंगे, 6 में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ठीक है, फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 छोड़ेंगे, 6 वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पैटर्न है, देखिए 4 चेन वाला, यही आपको रिपीट करना है। फिर देखिए, 1 2 3 4 4 चेन क्या, फिर 1 2 3 4 5 5 स्किप करेंगे, 6 छठे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 3 हो गया। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 5 स्किप करेंगे, 6 में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छठे में हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छठे में हम सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पाँचवा छोड़ेंगे छठे में, 6 में हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 के बाद 1 2 3 4 4 चेन। फिर 1 2 3 4 5 5 छोड़ेंगे, और देखिए लास्ट वाले पर हम आ गए हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो हुई। अब फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 ये डबल क्रोशिया के लिए बनाएंगे। फिर 1 2 3 यानी कि टोटल 6 चैन हमने बनाई है, और 6 चैन 3 हमने चैन स्पेस के लिए बनाई है। अब देखिए, ये जो पहला वाला है, पहला वाला डबल क्रोशिया, इस पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये 3 बनाया। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर देखिए, ये वाला छोड़ेंगे, और ये सेकेंड वाले में, थर्ड वाले डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ठीक है। फिर 1 2 3 3 चैन हमने बनाया। अब देखिए, ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, यहाँ पे हम क्लस्टर बनाएंगे। तो एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये बनाया। फिर इन सब को हमने इस तरह से बंद किया। फिर यहाँ पे 1 2 3 ये देखिए, इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन रही है। फिर 3 चैन लेंगे। फिर देखिए, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर एक चैन, फिर इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट अगले वाले पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 ये बनाए। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन बनाए। फिर इस पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया, क्लस्टर बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 बनाए। फिर इसे हम बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक, फिर 1 2 3 तो इसी तरह से, अब देखिए ये इसी तरह से यहाँ तक बनता जाएगा। ये देखिए, ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे हमने शुरू में 6 चैन बनाई थी। तो देखिए, यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे, फोर्थ वाली चैन में, देखिए यहाँ पर जो है मेरी फोर्थ वाली चेन में, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ठीक है, ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हुई। अभी थर्ड रो पर हैं हम। देखिए, यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे।
एक दो तीन, ये हमने तीन चेन बनाए। ठीक, तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए इसमें जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इधर स्टार्टिंग वाला, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, तीन ये बनाए हमने। फिर इसके बाद जो दो है इन्हें हमें छोड़ना नहीं, इसमें भी हम दो बनाएंगे। देखिए एक और फिर नेक्स्ट वाले में दो, देखिए इस तरह से दो बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो है हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, और फिर जो लास्ट वाला है इसमें हम तीन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन हो गया। अब फिर यहाँ पे हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको पूरा स्किप करना है। यहाँ पे तीन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन बनाया हमने। तीन बनाने के बाद फिर देखिए एक इसमें बनाएंगे, फिर एक उसके बाद वाले में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन का गैप लेंगे जैसे कि हम लेते हैं, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो, और फिर ये तीसरे वाले में हम तीन बनाएंगे। एक दो तीन, तो ये तीन के ऊपर इस बार हमारे पास पांच डबल क्रोशिया हो गए। देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से बन गया। देखिए ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो करना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए ये क्लस्टर छोड़ देंगे यहाँ पे सीधे, यहीं पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें तीन, एक दो तीन, फिर एक चेन, और फिर यही से इसी तरह से लास्ट वाला भी बना लेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए। फिर यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे, और फिर यहाँ पे जो चेन बनाई थी एक दो तीन चार, ये जो फोर्थ वाली चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आप यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए तीन रो का ये पैटर्न तो इस तरह से देखिए लग रहा है ना, प्रिटी अभी से खूबसूरत लग रहा है। अब जो हमारी डिज़ाइन बनेगी वो यहाँ बनेगी, ये जो डिज़ाइन वी शेप में है वो यहाँ बनेगी। ठीक है, ये क्लस्टर हमारा यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगी। तो कैसे बनेगी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले तो एक दो तीन, तीन चैन, और सेम में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक दो तीन चार, चार चैन बनाए। अब देखिए यहाँ पे इसमें इन दोनों के बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक, फिर एक दो तीन चार, चार चैन, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया। देखिए एक दो तीन, जैसे हमने यहाँ बनाया था, देखिए तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे चार चेन बनाएंगे, दो तीन चार, चार चेन, और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन चार, चार चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो के लास्ट में यहाँ पे चार चेन बना ली है। अब देखिए यहाँ पे इधर से एक छोड़ेंगे जो दूसरा वाला है, यहाँ से दूसरा वाला, पहला और दूसरा, यहाँ वाले में हम एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई। अब फिर सेकेंड रो के लिए देखिए अब टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले एक दो तीन, तीन चेन हो गया। अब इस वाले में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, ये हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया, और तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, और देखिए जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये बनाया। फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए फिर एक दो तीन, तीन चेन, फिर देखिए इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया। देखिए एक दो और ये तीन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन, फिर इसमें हम क्लस्टर बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हो गया। फिर इसे हम बंद कर देंगे इस तरह से।
बंद करने के बाद एक दो तीन, तीन चैन, फिर देखिए इसमें। तो इसी तरह से इस रो को हम फिर से बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस वाले में बना लेंगे। देखिए इस तरह से अभी हम थर्ड रो पर आ गए। अब यहाँ से टर्न हो जाएंगे, देखिए एक दो तीन, तीन चैन। अब देखिए पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, एक और ये दो, दो बनाए हमने। फिर जो लास्ट वाला है इसमें हम तीन बना लेंगे, देखिए एक दो और ये तीन, तीन बना लिया, फिर एक चैन। फिर देखिए इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे, फिर एक हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, फिर एक चैन लेंगे, फिर वापस से यहाँ पे। तो जो थर्ड रो यहाँ पे थी, यहाँ पे जो थर्ड वाली रो थी वही हमें यहाँ रिपीट करना है, तो इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं, और ये जो है देखिए यहाँ पे ये हमने पांच बनाया, तीन बनाया लास्ट में, फिर दो बनाया एक एक सिंगल, फिर ये जो डबल क्रोशिया है लास्ट वाला इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेना। तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनती है, ठीक है। तो अब फिर से रो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये वाली रो है बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे इसे। तो मैं थोड़ा सा एक एक डिज़ाइन या दो डिज़ाइन और आपको बना के बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने तीन डिज़ाइन बनाई है, देख सकते हैं आप, ये तीन डिज़ाइन बनाई है। और तीन डिज़ाइन बनाए बाद इसका लुक इस तरह से आता है। ये देखिए थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखती है। देखिए वी शेप में इस तरह से खूबसूरत सी दिखती है, बहुत ही प्यारी लगती है, शॉल वगैरह बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।